इस वीडियो में मैं तुम्हें तीन थ्योरीज बताने वाला हूँ रिलेटेड टू वन पीस। ये तीन थ्योरीज मैंने खुद से सोचा है एंड क्योंकि ये तीनों काफ़ी छोटी थ्योरीज हैं, मैं इस वे में इन्हें एक ही वीडियो में कंपाइल करके तुम्हें प्रेजेंट कर रहा है। मांगा स्पॉयलर्स अलर्ट एंड या लेट्स बिगिन। आई नो यहाँ पे सभी वन पीस के फैंस हैं, इसलिए क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर तुम वन पीस वर्ल्ड में होते तो क्या होता? वेल, मुचेन नाम का ये बंदा भी एक काफ़ी बड़ा वन पीस फैन होता है एंड सडनली ये पहुंच जाता है वन पीस वर्ल्ड के अंदर, वो भी उस टाइम पर जब मरीनफोर्ड वॉर जस्ट एंड हुआ था। मुचेन ऑल्सो सीज अ वियर्ड इंटरफेस सिस्टम एंड देन ही रियलाइजेस कि इसके पास पावर्स हैं मरे हुए लोगों का पावर्स लेने का। एंड मुचेन के सामने रखा होता है वाइट बेड एंड एस का ग्रेव। ये जो पूरा मैंने तुम्हें स्टोरी बताया ना, ये एक फैन फिक्शन वेब नॉवल है, द स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमैंसर। ये तुम्हें मिल जाएगा नॉवल ड्रैगन में। नॉवल ड्रैगन में और भी बहुत से वेब नॉवल्स हैं, हर जॉनरा के वेब नॉवल्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे और वो भी एकदम मज़ेदार मज़ेदार वेब नॉवल्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने द स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमैंसर और नॉवल ड्रैगन का प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर का लिंक डाल दिया है, ठीक है? डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड हाँ, ये इसका एप्लीकेशन फ्री है, तो या डेफिनेटली चेक इट आउट इफ़ यू आर इनटू वेब नॉवल्स। पहली थ्योरी रिवॉल्व करती है अराउंड एगहेड। एज यू ऑल नो कि हमें कुछ चैप्टर्स पहले ही पता चला था कि यॉर्क ट्रेटर है। सो व्हाट आई थिंक इसकी यॉर्क ही बस ट्रेटर नहीं है, उसके साथ एक और कैरेक्टर है जो ये धोखाधड़ी करने में उसकी हेल्प कर रहा है, एक्चुअली कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट एटलस। आई थिंक एटलस भी ट्रेटर है एंड वो एक्चुअल माइंड है इस कॉन्स्पिरेसी से चीज़ का। एंड ये जो सिलुएट है ये आई थिंक एटलस का ही था। इस चीज़ को मानने के लिए मेरे पे दो रीजंस है। पहला, उसका फाइट विद लुची। मैंने अपने चैप्टर वाले वीडियो में बोला था कि मेरे दो पॉसिबिलिटीज़ थे रिगार्डिंग ट्रेटर। पहला पॉसिबिलिटी ये था कि एटलस जानबूझ के लुची के सामने कूद गई थी ताकि उस पर कोई शक ना करे, एंड दूसरा था कि यॉर्क जानबूझ के हानकॉक सेराफिम के सामने कूदी थी ताकि उस पर कोई शक ना करे। सेकेंड पॉसिबिलिटी ट्रू हो गया, बट आई थिंक फर्स्ट पॉसिबिलिटी भी ट्रू होगा। एंड जो दूसरा मेन रीज़न है मेरे एटलस को ट्रेटर मानने का, वो है उसका रॉबिन के सामने अचानक से अंडरग्राउंड लैब के बारे में बात करना। डू यू रियली थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि रॉबिन अभी वहीं जा रही है जहाँ पर यॉर्क है? आई डोंट थिंक सो। एंड इतने अचानक से एटलस को एक लैब के बारे में याद आना काइंड ऑफ सस टू मी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एटलस ले जा रही है रॉबिन को लैब में ताकि वो यॉर्क के साथ मिलकर उसे पकड़ सके, और फिर वो शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेगी कि उसे और यॉर्क को सेलेस्टियल ड्रैगन बना दिया जाए या फिर प्रोटेक्शन दिया जाए इन एक्सचेंज ऑफ रॉबिन। वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए रॉबिन अभी के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट है, तो वो शायद ऐसा कर भी ले। लेकिन इससे भी अच्छा पॉसिबिलिटी ये है कि शायद ब्लैकबेट पायरेट्स को भी एटलस और यॉर्क ने ही बुलाया है एगहेड ताकि वो उनको रॉबिन ट्रेड कर सके इन एक्सचेंज ऑफ देयर रेस्क्यू। अगर ऐसा है देन दैट मीन्स कि यॉर्क और एटलस दोनों का प्लान ही यही है कि रॉबिन के साथ जो है रॉबिन को पकड़ते हुए ब्लैकबेट पायरेट्स के साथ बढ़ लेना एगहेड से। दिस वे ब्लैकबेट के पास वेगापंक के नॉलेज का भी एक्सेस आ जाएगा। ओह बाय द वे, आई ऑल्सो थिंक कि यॉर्क या एटलस एक दूसरे को भी धोखा देंगे। यॉर्क पे मेरा ज़्यादा शक है क्योंकि उसने बोला था ना कि वर्ल्ड ओनली नीड्स वन वेगापंक, तो हो सकता है यॉर्क एटलस को खंजर खुंजर मारने का सोचे और उससे पहले एटलस उसको मार दिया, यॉर्क ही मार दे, जो भी है एक आध दिन में से मर जाए, ऐसा हो सकता है। इतना ही था मेरा फर्स्ट थ्योरी। मेरी सेकेंड थ्योरी रिवॉल्व करती है अराउंड पुडिंग। अभी पुडिंग है ब्लैकबेट पायरेट्स के साथ, उसको आउकीजी और वैन ऑगर जो भी है पकड़ने गए थे होल केक आइलैंड एंड पकड़ के भी ला दिए। वी ऑल नो कि पुडिंग थ्री आइड क्लैन और एक ह्यूमन की हाइब्रिड है, हाफ ब्लड है वो, एंड उसके थर्ड आई के ट्रूएस्ट सेंस में ओपन होने से समहाउ वो पुनिग्लिप्स रीड कर पाएगी। वेल, दिस इज़ वॉट बिग मॉम सेड। बिग मॉम के अंडर तो पुडिंग कद्दू कुछ काम की नहीं थी, लेकिन अब जब वो ब्लैकबेट के साथ है क्या वो उसके काम आएगी? आई थिंक येस। हमने पुडिंग के दो पर्सनैलिटीज़ देखा है अभी तक, एक काइंड वाला और एक ईविल वाला। नाउ बिग मॉम के सामने पुडिंग कभी अपनी ईविल पर्सनैलिटी को नहीं दिखाई क्योंकि उससे उसकी फटती थी। सो व्हाट आई थिंक इसकी, क्योंकि पुडिंग के दो फेजेस है, जिसका नॉर्मल फेज है वो उसका ह्यूमन फेज है, और जिसका ईविल फेज है वो उसका थ्री आईड ट्राइब वाला फेज है। एंड शायद पुडिंग अपनी तीसरी आँख की पावर सिर्फ तभी यूज़ कर सकती है जब वो अपने ईविल मोड से में होती है। अब हमने देखा है कि पुडिंग सांची के अराउंड अपने दल्ले शक्ल को बहुत दिखाती है, तो आने वाले टाइम में जब भी लूफी वर्सेस ब्लैकबेट होगा, ब्लैकबेट सांजी को टारगेट कर सकता है टू ट्रिगर पुडिंग्स पावर्स, या फिर ब्लैकबेट को अगर किसी में पता चल गया कि सांजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुडिंग के लिए, देन ही कैन थ्रेटन हर यूजिंग दैट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड इस वे में उसे भी एक पुनिग्लिप्स को रीड करने वाली कैरेक्टर मिल जाएगी शायद से। थर्ड एंड फाइनल थ्योरी, ये थ्योरी रिवॉल्व करती है अराउंड ब्लैक ब्लेड परमानेंट वाला। अभी के टाइम परमानेंट ब्लैक ब्लेड्स हमने दो ही देखा है, योरू एंड शुशुई, बट ये ब्लैक ब्लेड बनता कैसे है? एंड हैव यू एवर थॉट कि शुशुई एंड एनमा
दोनों सेम ग्रेड के स्वॉर्ड होने के बाद भी एनमा शुशुई से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? इस थ्योरी को समझने के लिए हाकी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। हाकी एक मिस्टीरियस पावर है जो कि अलाउ करता है स्पिरिचुअल एनर्जी यूटिलाइज करने में। जब एक स्वॉर्ड्समैन अपने स्वॉर्ड को टेम्पररी ब्लैक ब्लेड बनाता है, वो उस ब्लेड को हार्डन करता है यूजिंग हिज आर्मामेंट हाकी। हमें एक फैक्ट पता है कि स्वॉर्ड्स का खुद का विल होता है, एंड अगर किसी स्वॉर्ड का विल स्वॉर्ड्समैन के विल से स्ट्रॉन्गर होता है देन स्वॉर्ड्समैन मर जाता है, एंड इसके वाइस वर्सा में स्वॉर्ड्समैन स्वॉर्ड को हार्डन कर पाता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट बेंडिंग वंस विल। परमानेंट ब्लैक ब्लेड इज़ नॉट एग्जैक्टली हार्डनिंग, क्योंकि हार्डनिंग में पूरा स्वॉर्ड ब्लैक हो जाता है एंड ब्लैक ब्लेड में सिर्फ ब्लेड ही ब्लैक होता है, लेकिन दिस हैज़ टू बी समवॉट सिमिलर टू, राइट? इसलिए व्हाट आई थिंक इसकी वाइल मेकिंग अ परमानेंट ब्लैक ब्लेड, यूजर अपने विल को ब्लेड के विल पर पूरी तरह इम्पोज कर देता है, समथिंग लाइक कॉन्करर्स हाकी। यूजर काइंड ऑफ कम्प्लीटली ईट्स आउट ब्लेड्स विल, एंड इस वे में वो ब्लेड परमानेंट ब्लैक ब्लेड बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। एक स्वॉर्ड के साथ यूजर हमेशा काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट बनाता है वाइल फाइटिंग, एंड हार्डनिंग करते टाइम बोथ यूजर एंड स्वॉर्ड का विल साथ में इन्फ्यूज होता है, एंड इट लीड्स टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोथ यूजर एंड द ब्लेड। लेकिन शायद ब्लैक ब्लेड में इन्फ्यूजन नहीं बल्कि कंप्लीट इम्पोजिशन होता है ऑफ स्वॉर्ड्समैन्स विल ऑन स्वॉर्ड्स विल, विच टेक्निकली किल्स दिस स्वॉर्ड, क्योंकि उनका विल बचता ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, शायद ब्लैक ब्लेड्स डेड स्वॉर्ड्स हैं हु सैक्रिफाइस देयर विल फॉर देयर रिस्पेक्टिव ओनर्स। शायद इसलिए जोरो को शुशुई यूज़ करने में कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ही वॉज लिटरली इन्फ्यूजिंग हिज हाकी ऑन अ डेड स्वॉर्ड, एंड क्योंकि शुशुई को ब्लैक ब्लेड बनाया था र्यूमा ने, शुशुई एक्सक्लूसिव स्वॉर्ड बन गया र्यूमा का, एंड दिस इज वाई सिर्फ र्यूमा ही शुशुई को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज़ कर सकता है, सिंस र्यूमा का विल इम्पोज था शुशुई पे। लेकिन क्योंकि ब्लैक ब्लेड के बनने से स्वॉर्ड एक डेड स्वॉर्ड बन जाता है, ऐसे कोई भी स्वॉर्ड्समैन किसी भी स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड नहीं बना सकता। ये चीज़ पुल ऑफ करने के लिए एक डीप कनेक्शन चाहिए बिटवीन दिस स्वॉर्ड्समैन एंड दिस स्वॉर्ड, विच इज़ वाई व्हाट आई थिंक इसकी जो जोरो का फर्स्ट ब्लैक ब्लेड होगा वो होगा वाडो इचिमोंजी, क्योंकि वो उसके साथ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट है। इचिमोंजी विल बी द फर्स्ट टू सेक्रीफाइस इट्स विल फॉर जोरोस ड्रीम। दिस इज द रीज़न वाई मिहॉक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन होने के बाद भी शायद हर स्पोर्ट को ब्लैक ब्लेड नहीं बना सकता, वरना वो कलेक्शन सा बना के रखता ना अपने साथ। अबाउट की क्यों व्हाइट ब्लेड रॉजर शैंक्स बिग मोम जैसे ये नहीं कर पाए, परमानेंट ब्लैक ब्लेड उन्होंने क्यों नहीं बनाया, रॉजर का तो वी डोंट नो शिट। व्हाइट ब्लेड ये कर सकता था बट वो नहीं किया, आई मीन उसका जो तंबू वाला स्वॉर्ड था वो उसके पास स्टार्टिंग से था, बट मेबी ही थॉट हिज स्वॉर्ड एज अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली, वो एक फैमिली मेम्बर जैसा समझा अपने स्वॉर्ड को। शैंक्स इसलिए नहीं कर पाया ये, क्योंकि मुझे नहीं पता ये शैंक्स क्यों नहीं कर पाया। ग्राइफन उसके पास बहुत टाइम से फिर भी वो नहीं किया फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो क्यों। एंड बिग बॉम का स्वॉर्ड तो सोल वाला है, मतलब उसने सोल भर रखा है और वो उससे डरता भी है, तो या दैट्स इट। यही थे मेरे तीन थ्योरीज है, तो इतना सीरियसली मत लेना। एंड या अब नेक्स्ट वीडियो में आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।